क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों को भला कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज हम ठंड की सीजन की बहुत स्पेशल सब्जी बनाने जा रहे हैं जो बहुत लोगों को पसंद आती है, वो है मटर मशरूम। मटर मशरूम ठंड में सभी को लगभग बहुत अच्छी लगती है। इसको हम जा रहे बनाने, इसके लिए जो सामग्री है वह इस पैकेट हमने मशरूम लिया हुआ है। इसको हमने हल्के गुनगुने पानी से धुल के फिर इसको हम 2 से 3 भाग में कट कर लेंगे। और ये हमने मटर ले ली है, ये 150 ग्राम मटर है। और प्याज हमने 4 लिए मीडियम साइज़ के, 2 हमने तड़के के लिए लिया, 2 हम इसको बारीक पीस लेंगे। ये थोड़े हमने ड्राई मसाले लिए, इसमें 6-7 दाना काली मिर्च है और 2 इलायची, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है, थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून जीरा है, 1 चम्मच के करीब हमने मक्खन लिया है और 1 चम्मच के करीब हमने नमक लिया, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून काजू लिया है। इसको हम टमाटर के साथ इसकी प्यूरी बनाएंगे। इसमें हमने 1 मीडियम साइज का टमाटर, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 5-6 हरी मिर्च और थोड़े से काजू 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा अदरक है, इन सबको हम पीस लेते हैं। और 2 प्याज, प्याज को हम अलग पीसेंगे, इसको हम अलग पीसेंगे। सबसे पहले इसको हम पीस के तैयार कर लेते हैं। हमने सारी हरी मिर्च डाल दी, हमने करीब 5 से 6 डाली, आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। और ये 1 टेबल स्पून काजू था वो डाल दिया, अदरक के टुकड़ा डाल दिया और ये लहसुन डाल दी हमने और टमाटर को काट के इसमें डाल देते हैं। टमाटर भी इसमें ऐड कर दिया, अब इसको हम बारीक पीस लेते हैं। प्यूरी हमने पीस के निकाल ली है, ये देखिए इस तरह है। प्याज हमने अलग से पीसा हुआ है, ये प्याज इस तरह है और ये हरी धनिया है और ये मस्टर्ड ऑयल और ये जो है लाल मिर्च पाउडर है। और प्याज हमने कट कर लिया, इसको हम तेल डाल के कढ़ाई में और फटाफट प्याज डाल दें। ये करीब 50 से 75 ग्राम तेल है और इसको डाल, अगर आप ज़्यादा तेल पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और इसको डालने के बाद ये तेल गर्म हो जा रहा है तो इसमें हम प्याज को ऐड, मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज को डाल दिया है। इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब हमने नमक ऐड कर दिया जिससे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये प्याज हो गया है, इसमें हम डालते हैं ये ड्राई मसाले जो है, दालचीनी, लौंग, इलायची और जीरा। ये थोड़ा सा हो गया, ज़्यादा इसको हमने नहीं फ्राई करना। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 प्याज, अब हम इसमें ऐड कर दें। अब इसमें हम क्या करते हैं, 1/2 टेबल स्पून जो अदरक वो हल्दी का पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून गरम मसाला, इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। और ऐड करके 2 मिनट इसको हम भूंज लेते हैं। भूंजने के बाद फिर इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे, तब तक इसको तेल छोड़ने तक इसको हम भूंजते हैं जिससे मसाला इसमें अच्छे से भूंज जाए। इसका भूंज गया है, इसमें हमने 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाल दिया और रेड चिली पाउडर डालने के बाद हमने 2 टेबल स्पून 1/2 कटे हुए काजू इसमें हमने ऐड कर दिए। अब इसको हम 2 मिनट भूंज लेते हैं और भूनने के बाद इसमें टमाटर की प्यूरी डालते हैं। साइड से देखिए मसाला ये छोड़ने लगा है तेल, और इसमें टमाटर की प्यूरी हम ऐड कर देते हैं और इसको अब भूंज लेते हैं पूरा। और देखिए मसाला अच्छे से भूंज गया है। इसमें हमने 2 पत्ता बाद में डाला है क्योंकि इसका जो मसाले के साथ भूंजता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसमें 1 टेबल स्पून हमने बटर लिया है और बटर को हमने इसमें डाल दिया है। और बटर के साथ जब तेज पत्ता भूजता है तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर और टेस्ट दोनों आता है। अब इस मसाले को हमने भूज लिया है, अब इसमें हम ऐड करते हैं मटर और मशरूम। इसमें हमने मटर डाल दिया, करीब 200 ग्राम मटर है, इसमें हमने पूरी मटर डाल दी। डालने के साथ साथ ही इसमें हमने डाल देना है मशरूम कटा हुआ, क्योंकि मटर और मशरूम दोनों पानी छोड़ता है तो हम इसमें पानी को बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। इसमें हम बचा हुआ जो नमक है जो सब्ज़ी के हिसाब से निकाला था, थोड़ा हमने प्याज में डाल दिया, थोड़ा नमक हम इसमें
ऐड कर देते हैं और ऐड करके इसको हम चला देते हैं चलेंगे और इसको हम ढक भी देंगे जिससे ये मटर और मशरूम के पानी से ही पूरा पक जाए अच्छे से, क्योंकि मशरूम काफ़ी पानी छोड़ता है, मटर भी। इसमें हमें पानी को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, आप चाहो तो थोड़ा सा डाल सकते हैं लेकिन पानी मटर और मशरूम मिला दिया है धीमी आँच पे, इसको मीडियम से लो फ्लेम कर देंगे 5 मिनट के लिए। मशरूम में बहुत जल्दी पक जाता है, मशरूम बहुत जल्दी पक जाता है, ये 5 से 7 मिनट में देखिए अच्छे से कुक हो गया है। अब इसमें हम धनिया की पत्ती डाल देते हैं थोड़ा सा, 2 टेबल स्पून के पास, और थोड़ा सा इसमें बटर को ऐड कर देते हैं, क्योंकि जब आप इसमें लास्ट में बटर ऐड करिए ना तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। गैस को कर देते हैं बंद और सर्विंग के लिए एकदम से तैयार है मटर। मशरूम बन के तैयार होगी गर्मा गर्म रोटी, अगर आप रोटी में मक्खन लगा के खाइए तो इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। आप पूरी से, पराठा से या मिक्स रोटी किसी चीज़ से भी आप खा सकते हैं, मटर मशरूम का अपना बहुत निराला स्वाद होता है। अगर आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं श्वेता पाक कला में इतनी नई वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर।